हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू यूपी पाठशाला। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं मैथ के इस लेक्चर में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम परसेंटेज शुरू कर चुके हैं और इसका एक लेक्चर हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आज ही हमारा दूसरा लेक्चर है परसेंटेज का। मैंने आपसे पहले भी बताया था और अब भी बता रहा हूँ कि हम चीज़ों को बारीकी से पढ़ेंगे, बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है उससे थोड़ा सा अपर लेवल का पढ़ के चलेंगे, ठीक है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो तथा बेल आइकन को दबा दो, ठीक है। इससे दो फायदे होंगे। एक तो फायदा यह होगा कि हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। दूसरा फायदा यह होगा आपके लिए कि हमारी जो वीडियो जो आएंगी आपके लिए, उनका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं करा हो। मैंने देखा है कि बहुत से चैनल ऐसे हैं, पढ़ाते बहुत कम हैं और पता नहीं तरह तरह की बातें करते रहते हैं, और बच्चे उन्हीं ज़्यादा देखते हैं, उन्हीं को ज़्यादा देखते हैं, उनके चैनल के सब्सक्राइब कर लेते हैं और उनके मिलियंस में सब्सक्राइबर रहते हैं। पता नहीं, समझ में नहीं आता बच्चों को क्या चाहिए। या पढ़ना नहीं चाहते हैं, या तो बच्चे जो अच्छे से पढ़ाना चाह रहा है, मेहनत करना चाह रहा है आपके साथ में, आप उनके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है। ना ही शेयर करते हैं, ना ही लाइक करते हैं, ना ही कमेंट करते हैं किसी तरीके का। बस अगर देखा भी तो एक दो मिनट देखेंगे, बस छुट्टी। कि यार ये तो पागल है, ये तो पढ़ाने में व्यस्त है। अगर मैं हाँ आपसे बकवास करने लग जाता, हंसी मजाक करने लग जाऊं, तो आज ही मेरे साथ लोग जुड़ने लग जाएंगे, ठीक है। तो चीजों को ध्यान दो यार, आपको जॉब चाहिए तो जॉब के लिए आपको क्या होगा, पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे चैनलों से बचना पड़ेगा जो केवल एक घंटे में बकवास करते रहते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं या टाइम पूरा करके चल जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे चैनलों से बचें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको पूरा कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे यूपी टेट 2019 के लिए। कोई भी कोर कर्सर नहीं छोड़ेंगे आपको 120 अंक दिलाने तक, ठीक है। और यदि आप हमारे हिसाब से चलते रहते हैं तो आपके 120 प्लस मार्क्स आराम से आ जाएंगे, इतनी हमारी गारंटी है। आगे आपकी मर्जी है, ठीक है। लाइक करो, शेयर करो या मत करो, ठीक है, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। और हमारा काम है आपको पढ़ाना, हम आपको पढ़ाते रहेंगे इसी तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो बातें बताना चाहता हूं। पहली बात, आप ये बताइए कि जिस कॉस्ट पर, जिस कीमत पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं वो क्या कहलाता है। वो हमारा क्या कहलाता, क्रय मूल्य कहलाता, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। जिस कीमत पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और जिस कीमत पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है विक्रय मूल्य। क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य। इंग्लिश में बोलते हैं हम इसको सेलिंग प्राइस, ठीक है। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ रही होगी। जिस कीमत पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं क्रय मूल्य, जिस कीमत पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं वो हमारा क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है, ठीक। दूसरी बात यह आती है कि यदि मैं आपसे बोलूं कि किसी वस्तु को मैंने खरीदा और उस वस्तु का मैंने रेट क्या कर दिया, 25% बढ़ा दिया, 25% मैंने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, ठीक है। ध्यान से समझना इस चीज को, क्योंकि जो चीज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं पूरे परसेंटेज चैप्टर में, मैं यही चीज यूज करूंगा सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। कोई भी फॉर्मूला नहीं बताने का, विदाउट एनी फॉर्मूला सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम परसेंटेज के। मात्र दो से तीन फॉर्मूले बताऊंगा जो बहुत ही सिंपल है और आप आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना। यदि मैं आपसे बोलूं कि मैंने कोई वस्तु खरीदी और उसका प्राइस मैंने क्या किया, 25% बढ़ा दिया, ठीक है, तो उसका अब जो प्राइस होगा वो कितना होगा, ठीक है। तो ऐसे समझिए कि अगर मैंने कोई चीज खरीदी 100% पे, ठीक है,
ठीक है। इनिशियली किसी भी वस्तु का प्राइस क्या होता, वो 100% होता, या 100% को हम किसके बराबर मानते हैं, फ्रैक्शन में एक के बराबर मानते हैं, ठीक है। या तो आप एक मान के कर सकते हैं सोल्व, या आप 100% मान के सोल्व कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को, ठीक है। इनिशियली इस संसार में जितनी भी चीजें हैं वो अपने आप में क्या होती है, 100% होती है, या पूरी एक होती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही होगी। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि 25% मैंने उस वस्तु का मूल्य इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पहले 100 था तो अब कितना हुआ होगा, वो 125%, ठीक है। आ रही है बात समझ में। मैं इस तरीके से भी कर सकता हूं, अगर मैं फ्रैक्शन में लेके करूंगा तो कैसे करूंगा, तो देखो 25% का मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था, फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन होता है 1/4, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 25% हमने बढ़ा दिया, नीचे जो आता है ये हमारा, क्या होता है, ओरिजिनल प्राइस होता है, ओरिजिनल प्राइस, ठीक है, या इनिशियल प्राइस होता हमारा, इनिशियल प्राइस, ठीक है। यदि कोई वस्तु मैंने खरीदी थी तो वो कितने पे खरीदी थी, 4 रुपए खरीदी थी, 4 रुपए में खरीदी थी, कितना बढ़ गया उसका 25% बढ़ गया, इसका मतलब क्या, एक बढ़ गया, ये हमारा क्या होता है, इंक्रीज वैल्यू, इंक्रीज वैल्यू, ठीक है, ये इंक्रीज वैल्यू होता है। 4 रुपए में मैंने कोई वस्तु खरीदी, 25% बढ़ गया, इसका मतलब कितना बढ़ गया, एक बढ़ गया, तो अब उसका प्राइस क्या हो गया, अब उसका प्राइस कितना होगा, 9, कितना होगा, 4+1 कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। आई थिंक ये बात समझ में आ रही होगी। चलिए मैंने एक और लिखा कि मैंने बोला कि मैंने किसी वस्तु का प्राइस कितना बढ़ा दिया, मैंने किसी वस्तु का प्राइस बढ़ा दिया 16/2/3%, ठीक है। अब मैंने कल आपको बताया था पिछली कक्षा में कि 16/2/3% का जो फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है, 1/6 होता है, ठीक है। अब मैंने प्राइस क्या किया है, बढ़ाया है, तो इसका मतलब क्या है कि इनिशियली उसका प्राइस क्या होगा, ये 6 रुपीज होगा, इनिशियली कितना होगा, इनिशियली कितना होगा, 6 होगा, और मैंने क्या करा, बढ़ा दिया, तो इसका मतलब कितना बढ़ गया, एक बढ़ गया, 6 में 1 बढ़ गया, तो अब 9 कितना हमारा प्राइस, अब कितना प्राइस हो जाएगा, 6+1=7, ठीक है। ये आपका हो गया, पहला क्या इनिशियली हमारा 6 था, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि मैंने किसी वस्तु का प्राइस 20% कम कर दिया, घटा दिया, तो आप क्या लिखेंगे, पहले तो आप लिखेंगे कि 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। इनिशियली मेरा यह था, किसी वस्तु का प्राइस क्या था, 5 रुपए था, और मैंने 20% कम कर दिया, इसका मतलब क्या है, अब जो प्राइस होगा मेरा वो क्या होगा, 5-1=4, ये मेरा अब का प्राइस है, ये इनिशियली जो पहले मैंने खरीदा था उसका प्राइस है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही होगी। चलिए मैंने एक परसेंटेज लिखा कि मैंने लिखा कि मैंने किसी वस्तु का प्राइस 14/2/7% क्या करा, घटा दिया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसका फ्रैक्शन मैंने आपको बताया था 1/7 होता है, कितना होता है इसका फ्रैक्शन, 1/7, ठीक है। तो 1/7 हो गया, तो ये मेरा क्या है, इनिशियली प्राइस है, पहले का प्राइस है, जितने पे मैंने खरीदा वो प्राइस है ये, अब कम कर दिया मैंने कितना, 1 कम कर दिया, 7 में मैंने 1 कम कर दिया, तो मेरा अब का प्राइस क्या हो जाएगा, अब क्या प्राइस हो जाएगा मेरा, 7-1=6, ठीक है। तो आई थिंक ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी, फिर भी आपको कोई डाउट रहता तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, इस कॉन्सेप्ट का हम यूज कहां पे करेंगे, क्वेश्चंस में देखते हैं। चलिए आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये सब कुछ, और किसी का भी प्राइस जो होता है इनिशियली कॉस्ट प्राइस वो हमेशा क्या होता है, 100% होता है। कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है, 100% होती है इनिशियली। या तो हम 100% मान के सोल्व कर सकते हैं या एक मान के सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी, ठीक। चलिए फर्स्ट टाइप की बात करते हैं, क्वेश्चन किस टाइप के बनेंगे आपके एग्जाम में वो देखते हैं। फर्स्ट टाइप, ठीक, फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में मैंने आपको बोला क्वेश्चन इस तरीके से मिलेगा कि ए, क्वेश्चन 1, ए बी से 25% अधिक है,
अधिक है तब तब बी ए से कितने परसेंट कम है, ये आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है कि ए बी से 25% अधिक है तब बी ए से कितने परसेंट कम होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया कि ए जो है वो बी से कितना परसेंट का अधिक है, 25% अधिक है। मैंने 25% की क्या कर रही, फ्रैक्शन लिखी। अभी मैंने बताया 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/4 होती है। ठीक है, अब मैंने ये मान लिया कि ये क्या मेरा बी है। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए जो है वो बी से 25% अधिक है, बी ये है, तो ए क्या होगा मेरा, ए बराबर क्या होगा, देखो बी से कितना अधिक है 25%, तो बी का बी क्या है 4 है, इसका 25% क्या है 1, यही तो बढ़ रहा है। ठीक है, तो ए ए जो होगा हमारा वो क्या होगा 4+k1=5। ठीक है, ए कितना आ गया हमारा 5 आ गया। अभी हमसे पूछ रहा है कि बी जो है वो ए से कितना कम है, बी ए से कितना कम है, तो देखो कितना कम है, ए कितना 5 है, बी कितना है 4 है, कितना कम है 1 कम है, तो हम 1 को एज इट इज लिखेंगे। किससे पूछ रहा है, बी ए से कितना कम है, ए से पूछ रहा हूं ना, तो जिससे भी पूछेगा उसे हम क्या करेंगे डिनोमिनेटर में रखेंगे। ठीक है, 5 से पूछा था, ए कितना 5 है, और ए से ही पूछा ए से कितना कम है, ए से 1 कम है, कंपैरिजन जिससे करते हैं उसे हम डेनोमिनेटर में रखते हैं, हर में रखते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखना, इनटू हम क्या करेंगे 100। ठीक है, तो 5 से कितनी बार जाएगा ये 20 बार जाएगा, तो क्या आ गया ये 20% क्या है कम है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ए बी से 25% अधिक है तब बी ए से कितना परसेंट कम है, वो कितना परसेंट कम है 20% कम है। ठीक है, कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, मुश्किल से मैं 2 से 3 फॉर्मूले बताऊंगा पूरे परसेंटेज चैप्टर में, वरना सारा का सारा परसेंटेज चैप्टर हम कॉमन सेंस से करेंगे, ऐसे ही करेंगे। ठीक है, चलिए आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूं इसी टाइप के, दूसरे क्वेश्चन लिखिए, सेकेंड क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर दो है कि ए बी से 16 से ही 2/3% कम है, 16 से ही 2/3% कम है तब बी ए से कितना अधिक है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में क्या दिया था कि ए बी से अधिक था, इसमें दिया है ए बी से कम है, ए बी से 16 से ही 2/3% कम है तब बी ए से कितना अधिक होगा। ठीक है, ये बताना। अब देखो 16 से ही 2/3 की मैंने फ्रैक्शन आपको क्या बताई थी, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/6। ठीक है, कितनी होती है 1/6। अगर आपको नहीं पता है तो एक दो बार आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो खुद आपको याद हो जाएगी। निकालेंगे कैसे, देखो 16 + 3 = 48 और 2 = 50, 50 हो गया, 50/3% हो गया, और मैंने कल आपको परसेंट से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सिखाया था पहली वाली कक्षा में। ठीक है, तो अगर आपने क्लास नहीं देखी है पहली, तो पहले उसे देखें, उसके बाद इस क्लास को देखें, तभी समझ में आएगा आपको सब कुछ। ठीक है, तो 50/3% लिख सकते हैं। अब इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि 50/3 तो एज इट इज रखेंगे, और परसेंटेज की जो वैल्यू होती है 1/4 कितनी होती है 100 होती है। 50 से कितनी बार जाएगा 2 बार, तो कितना आ गया 1/6। ठीक है, आप डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं, डायरेक्ट याद रखेंगे तो विद इन सेकंड बना लेंगे। ठीक है, बनना तो इस तरीके से कर ही सकते हैं। अब फ्रैक्शन कितनी आ गई इसकी, 1/6 आ गई। अब ये कह रहा है कि ए जो है वो बी से कितना कम है, 16 से ही 2/3 कम है। यदि मैंने मान लिया बी क्या है 6 है, तब ए क्या होगा 1 कम है, ये कम हो रहा, इस बार कम बोलना तो ये कम होगा 1, तो ए मेरा क्या हो जाएगा 5। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, अगर बी 6 है और ए जो है वो बी से कम है, कितना 16 से ही 2/3%, तो ए कितना होगा 5 होगा। अब ये कह रहा है कि तब बी ए से कितना अधिक है, कितना अधिक है भाई, बी 1 अधिक है, किससे, ए से चाहिए, तो ए को हम क्या रखेंगे नीचे रखेंगे 5,
गुणा 100, 5 × 10 20%, तो कितना आ गया ये 20% अधिक है। ठीक है, तब बी ए से कितना परसेंट अधिक है 20% अधिक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन भी अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना, ठीक है, इसी टाइप का देता हूं। क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि ए बी से 12 से ही 1/2% अधिक है तब बी ए से कितना कम है। ये क्वेश्चन सेम आपके पहले क्वेश्चन की तरह है, ठीक है। ये कह रहा है कि ए बी से कितना अधिक है, 12.5% अधिक है, तब बी ए से कितना कम है। ठीक है, यदि आपको इसकी फ्रैक्शन याद है तो सही है, अगर नहीं है तो कैसे निकालेंगे। देखो 12 से ही 1/2% को हम एज इट इज लिखेंगे। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो 12 × 2 = 24 और 25% और मैंने बताया परसेंटेज की जो वैल्यू होती है कितनी होती है, 1/100 होती है, तो कितना आएगा 25/2 × 1/100। ठीक है, तो 25 से कितनी बार, 4 बार जाएगा, इसकी फ्रैक्शन कितनी आ गई 1/8। आई थिंक ये बात आपको समझ में आई होगी। अब ये कह रहा है कि बी ए जो है वो बी से इतने 12.5% अधिक है, तो मैंने माना कि बी कितना मेरा 8 है, तब मेरा ए क्या हो जाएगा, एक कोष्ट कितना होगा 9, क्योंकि एक आ रहा ना 12.5% इसका, ठीक है, तो ए 9 हो गया। उसके बाद हमसे पूछा कि तब बी ए से कितना कम है, बी ए से कितना कम है, तो ए कितना 9, बी कितना 8, कितना कम है, एक कम है किससे, ए से। तो इसमें परसेंटेज को कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा, देखो 11 नम 99 होते हैं, तो 1/9%, ठीक है, 11 नम 99 और 100 बटे कितना जाएगा, 9 आ जाएगा। तो हमारा बी जो होगा वो ए से कितने परसेंट कम होगा, 11 से ही 1/9%।